देखिए, ये तो कोई दो राय ही नहीं है कि सरकार पूरी तरह फेल है। सिर्फ शिक्षकों की क्या बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात करें, उनसे सरकार आज तक मिलने नहीं आई। एक साल पूर्व ही मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें जाके कमिटमेंट किया था कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा, कहां? जब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री की बात का वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो आम कार्यकर्ता की बात का क्या वैल्यू रखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार से कुछ होगा। अभी आपने जैसा कहा कि जो शिक्षक है उन्होंने भी उनके घर के बाहर धरना दिया लेकिन एक बार मिलने नहीं आए। नगर निगम के लोगों ने धरना दिया था, रघुवर जी खुद स्वयं जाके उनसे मिलकर आए थे और अगले ही दिन उनका पेमेंट कर दिया गया था कि उनकी जनता को समस्या तो स्वयं जाके मिलना चाहिए, ना कि डर के भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठना चाहिए समाचार 24x7 से अंकित सिंह बोल रहा हूँ। मैं इस समय झारखंड इकाई के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ प्रदेश युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के मंत्री माननीय श्री अस्मित सिंह सेट्टी साहब जी हैं और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि जब आप विपक्ष में रहा करते थे, केंद्र में या राज्य में, तो पेट्रोल के दाम जब कुछ पैसे या कुछ रुपए में बढ़ते थे तो आपकी सरकार, आपके कार्यकर्ता विभिन्न तरह से धरना प्रदर्शन, पैदल यात्रा या पैदल संसद जाना, इस तरह के प्रोपेगेंडा खड़ा करते थे। लेकिन आज 6 महीने के अंदर आपकी सरकार में, वो भी कोरोना जैसी महामारी के दौरान, 20 रुपये अचानक बढ़ जाता है तो ये आम जनजीवन पर कहीं ना कहीं इसका बुरा असर पड़ता है। सबसे पहले अंकित जी, आप सब, आपके दर्शकों को मैं जोहार बोलता हूँ और मैं अपना एक बार परिचय फिर से दे दूँ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश का कार्यालय मंत्री अस्मित सिंह सेठी। जैसा कि भाई साहब आपने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने तुलना की है कांग्रेस की सरकार से और अब की सरकार से। तो तब जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था तो आप उस समय देखिए, उस समय दाम बढ़ा था तो उस समय पैसा कहाँ जा रहा था और अब पैसा कहाँ जा रहा है। उस समय पैसा मिसयूज हो रहा था, उस समय 2G घोटाला हो रहा था, 3G घोटाला हो रहा था, यहाँ तक कि कफन पे भी घोटाला हुआ। जो आदमी मौत हो जाती है, जो अंतिम समय होता है, उस पर भी इन्होंने घोटाला कर दिया। अभी का जो पैसा है, आप देखिए गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। कोरोना काल में आपने देखेगा कि कल ही 100 टीकाकरण का हमने आंकड़ा पार कर दिया, जो बड़े बड़े देशों ने, यूएस जैसे देशों ने इतना कम कर समय में नहीं किया, वो हमने कर दिखाया। तो ये पैसा मिसयूज नहीं हो रहा है जनता का, ये पैसा सही जगह पे उपयोग हो रहा है। शौचालय गरीबों के लिए, मुफ्त में अनाज, कम पैसा नहीं, 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया मुफ्त में अनाज बट रहा है, आपने देखा होगा। तो ये जो जनता का पैसा है ये मिसयूज नहीं हो रहा है, ये जनता से ही जनता के लिए दिया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो दामें बढ़ रही, ठीक है बढ़ रही है दामें, लेकिन उसे ही जनता से लेके जनता के लिए दिया जा रहा है। तो ठीक है, इसमें भी आगे काम किया जाएगा और हमने देखा है कि कोरोना काल में कैसे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने डट कर कोरोना काल का सामना किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम अपनी जान की परवाह ना करते हुए, हमने आप ही के मीडिया के भाइयों ने मुझे ऑक्सीजन मैन का नाम दिया था कोरोना काल के समय। हमने नहीं देखा कि वो कांग्रेस था कि बीजेपी था कि JMM था, हमने सबको सिलेंडर दिया। जहाँ जिसको जिसके घर में कोविड पॉजिटिव था, हमने घर घर जाके माननीय संजय सेठ जी के नेतृत्व के अंदर हमने घर घर जाके उसे मेडिसिन पहुँचाया, उसे घर घर जाके खाना पहुँचाया। हमने तो तब नहीं पूछा कि आप JMM से हैं कि आप कांग्रेस से हैं कि आप अदर पार्टी से हैं, हमने तो उस समय मानवता की सेवा की। तो अभी कांग्रेस कर रही है कि 10 रुपये बढ़ गया, 20 रुपये बढ़ गया, तो इसी से तो मानवता की सेवा हो रही है। आखिर बात करें हेमंत सरकार की, तो अभी परसों उनकी कैबिनेट मीटिंग थी और उन्होंने 11 मंत्रियों के लिए सरकारी आवास बनाने के निर्णय लिया है और उसका लगभग 59 करोड़ बजट पास हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पैसा आवास के बजाय युवाओं को रोजगार देने में खर्च करना चाहिए था। इस बीच आप ही के चैनल में कल मैं देख रहा था कि कांग्रेस युवा के प्रवक्ता ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता के कल्याण करने का बेड़ा उठाया है। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि उन्होंने जनता का कल्याण करने का बेड़ा तो उठाया है, लेकिन उसमें 12 ही लोगों के उन्होंने जनता समझ लिया है जो उनके कैबिनेट के मंत्री हैं। जैसे स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को ऐसा रोजगार दिया कि डायरेक्ट वो कैबिनेट मंत्री बन गए। 11 मंत्रियों के लिए एक सरकारी बंगला ही अलॉट कर दिया, अपने लिए अपने आप स्वयं कोई BMW गिफ्ट कर दिया। तो उनका कल्याणकारी योजना चल रही है, लेकिन उनकी कल्याणकारी योजना बहुत 12-13 लोगों तक ही सीमित है। तो जब बात करें शिक्षक भर्ती की, तो एक विज्ञापन संख्या 21/2016, इसमें TGT 25% 11 अनुसूचित जिलों की भर्ती निकली, जिसमें की परीक्षा 2017 में हुई।
2018 में उसका वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला है। और जब वो शिक्षक मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना देते हैं, हम मिथिलेश ठाकुर मंत्री के आवास के बाहर धरना देते हैं, तो उनसे कोई मिलने तक नहीं आता। कहीं ना कहीं ये सरकार निरंकुशवादी तो नहीं हो रही है? देखिए, ये तो कोई दो राय ही नहीं है कि सरकार पूरी तरह फेल है। सिर्फ शिक्षकों की क्या बात करें, सुरक्षा कर्मियों की बात करें, उनसे सरकार आज तक मिलने नहीं आई। उनको शौचालय की व्यवस्था नहीं मिल रही, बरसात में ऊपर पड़े हुए हैं, छत नहीं है उनके पास, आज तक सरकार नहीं आई। एक आप कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर के घर के बाहर उन्हें धरना दिया, एक साल पूर्व भी मिथिलेश ठाकुर ने उन्हें जाके कमिटमेंट किया था कि आपको स्थायी कर दिया जाएगा। कहाँ, जब मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री की बात का वैल्यू नहीं रख रहे हैं तो आम कार्यकर्ता की बात का क्या वैल्यू रखेंगे? आपके कैबिनेट के मंत्री ने कमिटमेंट किया था कि एक आपको स्थायी कर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार से कुछ होगा। अभी आपने जैसा कहा कि जो शिक्षक है उन्होंने भी उनके घर के बाहर धरना दिया, लेकिन एक बार मिलने नहीं आए। मुझे आज भी याद है रघुवर दास जी की सरकार थी, नगर निगम के लोगों ने धरना दिया था, रघुवर जी खुद स्वयं जाके उनसे मिलकर आए थे और अगले ही दिन उनका पेमेंट कर दिया गया था। ज़्यादा समय नहीं लिया, 24 घंटे के अंदर उनका पेमेंट कर दिया गया। तो एक जन सेवक वैसा होता है कि उनकी जनता को समस्या तो स्वयं जाके मिलना चाहिए, है ना, कि डर के भीगी बिल्ली की तरह घर में बैठना चाहिए। तो इस सरकार से अब जनता ने उम्मीद छोड़ दिया है, अब जनता को कोई उम्मीद नहीं है। रघुवर जी कल मोरा मैदान गए, एक व्यक्ति मैं देखा फूट फूट के रो पड़ा उनके सामने कि सर आपके समय में हमें रोजगार मिल गया, लेकिन यह सरकार हमारे प्रति नहीं सोच रही है। तो जनता का भी अब मैं देख रहा हूँ कि अपेक्षा खत्म हो गई सरकार से, हर तरह से सरकार त्रस्त है। रोजगार का मामला ले लीजिए और सुरक्षा का मामला ले लीजिए। मैंने परसों ही मैं पीपी कंपाउंड में पड़ा था, एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर लगा दिया है कि चोरों से आग्रह है कि यह घर पहले लूट चुके और मत लूटिए। सोच लीजिए जनता की मानसिकता क्या है। जनता इतना त्रस्त हो चुकी है कि सरकार से हताश हो गई है, पुलिस प्रशासन से हताश हो गई है, अब आग्रह कर रही है चोरों से कि भाई तुम छोड़ दो, सरकार तो कुछ नहीं कर रही, आप छोड़ दो मुझे। तो सरकार से अब अपेक्षा जनता को खत्म हो गया है। अब जैसे तैसे है कि कुछ दिन और बाकी है, देखिए अब जब चलता है जैसे तैसे चल रहे हैं। बात सहायक पुलिसकर्मियों की हो तो उन्हें सबसे ज़्यादा डर ये सता रहा है कि अगर वापस हमारे पक्ष में निर्णय नहीं होता तो वापस अगर गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं नक्सलियों से हमें प्रताड़ना सहनी पड़ेगी। ऐसे में उनके जान माल का खतरा उन्हें नज़र आ रहा है और इसको लेकर के वो चिंतित दिख रहे हैं। चिंतित तो होना जरूरी है, वाजिब है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो नक्सलेट अफेक्टेड एरिया है और वापस वहाँ जाएंगे तो फिर तो नक्सली का इफेक्ट उन्हें सहना पड़ेगा। और देखिए, यही पुलिसकर्मी थे जो मुझे याद है रघुवर जी की सरकार में जो नक्सलियों से लड़ने का काम किया था। खूंटी में जो एक सिख व्यक्ति सरदार जोगा सिंह चल के आया था अमृतसर से, उसे जिंदा ट्रक में जला दिया जाए तो इन्हीं पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ने का काम किया था। यही पुलिसकर्मियों ने डटकर उनका सामना किया था और पकड़ा था। तो वही पुलिसकर्मी आज आतंकवादियों से लड़ेगी और वही पुलिसकर्मियों का आतंकवादी की प्रताड़ना भी आज सहनी पड़ेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस विषय में सोचना चाहिए कि वो वापस जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। उनके जान की भी खतरा है, उनका रोजगार भी जीरो शून्य हो चुका है, उनके ऊपर से जान की भी खतरा है। तो मुख्यमंत्री जी को इस विषय में चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए क्या, मुख्यमंत्री जी से तो हम आग्रह ही कर सकते हैं, धरना देने जाते हैं तो मुख्यमंत्री जी लाठी चार्ज कर देते हैं, मुकदमा दर्ज कर देते हैं। तो अब आग्रह ही कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी से। अब अगर आने वाले समय में इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाए तो मैं आपको पूर्ण रूप से कहता हूँ कि भारतीय जनता युवा मोर्चा की पूरी टीम डट के वहाँ पर मोराबादी मैदान में अंतिम दम तक बैठे रहेगी जब तक हमारे सहायक पुलिसकर्मियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार की बात करें तो केंद्र ने मेडिकल के लिए आयुष्मान योजना लाई थी कि 5 लाख हर गरीब परिवार को इलाज के लिए दिया जाएगा। और जब केंद्र के डॉक्टर आर एस शर्मा जी आते हैं और वो यहाँ के ऋतु अस्पताल CHC वगैरह में जाते हैं तो आयुष्मान योजना का निरीक्षण करते हैं तो देश में सबसे बेहतर पालन झारखंड में हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोजगार में असफल है, विकास में असफल है, अपने मैनिफेस्टो का पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन आयुष्मान योजना केंद्र की योजना है और उसको सबसे बेहतर ढंग से लागू किया है। और आर एस शर्मा ने यहाँ तक ही कहा कि झारखंड मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। अंकित जी, मैं आपसे पूछता हूँ, ये किसकी देन है आखिर? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जी की देन है? सदर हॉस्पिटल किसकी देन है? जो सदर हॉस्पिटल पहले क्या जर्जर स्थिति था, आज क्या रेनोवेशन होकर सदर हॉस्पिटल चल रहा है, ये किसकी देन है? रघुवर दास जी की देन है। जाइए कांके में कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है 85 बेड का,
एम्स के एम्स एक बराबर के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, किसकी देन है? ये माननीय रघुवर दास की देन है। देवघर में जो हॉस्पिटल खुल रहा है किसकी देन है? ये रघुवर दास जी की देन है। तो ये सरकार वही कर रही है, पुराने कार्यों को शिलान्यास आज कर रही है। उन्होंने कुछ नहीं किया है, रोड बन रहा है तो अंबा प्रसाद जाके वो अपना बोर्ड चिपका दे रही है, उनका कोई इसमें रोल नहीं है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है वो सरकार जो आयुष्मान भारत का डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे अच्छा यहाँ एप्लीकेबल हो रहा है तो यहीं पे हो रहा है, लेकिन आखिर इसका जो इस पोजीशन में ला के माननीय रघुवर दास जी ने दिया है उसे, उसी पे आज ये इंजॉय कर रहे हैं। नहीं, अगर माने तो कुछ प्राइवेट अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान कार्ड पे इलाज नहीं करते गरीब, तो क्या सरकार को इन अस्पतालों को आदेश देना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ? देखिए, आयुष्मान भारत का भी बहुत से प्रोटोकॉल है, नियम है। मैं भी गुरु नानक हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी देखता हूँ। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कुछ हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं कि आयुष्मान भारत से इलाज हो, तो वैसे हॉस्पिटल को सरकारों को चिन्हित करना चाहिए और उस पर दृढ़ उस पर संकल्प लेके उस पर एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ चिन्हित करके साइलेंट नहीं हो जाना, उस पर एक्शन लेना है और एक सिस्टम बनाना है प्रोटोकॉल का कि हाँ ये हॉस्पिटल है, इसमें हड्डी का इलाज आयुष्मान के थ्रू होगा, नर्स का इलाज आयुष्मान के थ्रू होगा, हार्ट का इलाज आयुष्मान। तो ऐसे अगर हॉस्पिटल को चिन्हित करना पड़ेगा, जैसे कुछ हॉस्पिटल वो सिर्फ हड्डियों का इलाज करते तो ठीक है, वैसे कुछ हॉस्पिटल बनाने होंगे जो सिर्फ हार्ट का इलाज करें। तो ऐसे करके सरकार को ये आगे आके इसमें चिन्हित करना होगा और एक पहल उठाना होगा कि हाँ ये हॉस्पिटल जो नहीं कर रहे हैं उसको सुधार करना होगा आगे। दिसंबर माह में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, इसको लेकर के पार्टी की क्या तैयारियां हैं युवा मोर्चा? सर, पूर्ण रूप से तैयारियां चल रही है और इसमें कोई दो मत ही नहीं है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जीत के आ रहे हैं। पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते थे, उससे पहली बार भी पार्टी के लोग ही जीते थे, इस बार फिर वही जीतेंगे क्योंकि सरकार से त्रस्त हो चुकी है जनता। हम देख रहे हैं कि रांची में भी किस तरह नगर निगम के साथ राजनीति की जा रही है। नगर निगम काम करना चाहती है लेकिन माननीय नगर आयुक्त जी कभी फंड रोक देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो राजनीति हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जनता एक बार फिर मन बना चुकी है कि इस बार पंचायत के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी को लाना है, 2024 में फिर से राज्य में भारतीय जनता पार्टी को लाना है, ताकि जो विकास की गति थम गई है, रुक गई है, वो विकास की गति फिर से ग्राफ जो ऊपर उठ जो डाउनफॉल हो चुका है वो ग्राफ फिर से ऊपर उठ जाए, यह इस जनता ने मन बना लिया है। चलिए, इन सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।